पहले शादी में एक नॉर्थ में काजू खोया मटर, ये जो रेसिपी है इसकी शुरुआत करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आसान काम करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले ली हुई हैं। जैसे ये मेरे पास है यहाँ पर भुना मसाला। भाई ये भुना मसाला जो है ये ग्रेवी वाला भुना मसाला है, बाज़ार में पैकेट मिल जाते हैं आसानी से। और ये एक और भुना मसाला, ये दोनों मिक्स करके इस रेसिपी को बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसमें ये है मेरे पास कटे हुए मशरूम। तो मतलब मखनी भुना मसाला और ग्रेवी भुना मसाला डाल के मशरूम कटे हुए इसके अंदर। ये मेरे पास है खोया। बड़ी फटाफट ये रेसिपी बनती है, बड़ी कमाल की रेसिपी है। तो ये देखिए खोया मसाला, क्या खोया क्या पाया। और इसके साथ साथ इसमें काजू। अच्छा काजू जो है इसको कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, लेकिन इसी तरह से भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी। और ये जो है अब मसाले के साथ खोया जब मिक्स होगा तो फिर देखिए कैसा दिखेगा आपको। एकदम सडनली इसका जो लुक है वो ऐसा आ गया कि जैसे किसी हलवाई ने खाना बनाया हो, किसी होटल के अंदर खाना बन रहा हो। नाइस डिलीशियस। काजू भी आ गए, मशरूम भी आ गए। और फिर इसमें हमें एक और चीज़ चाहिए, और वो जो चीज़ है वो काजू है। देखिए काजू वैसे डालें, लेकिन काजू का थोड़ा सा और कमाल इस रेसिपी। मैंने कहा ना कि रिच रेसिपी है, तो ये जो है ये लीजिए पानी में भीगे हुए काजू, इसे पीस लेते हैं। भीगे हुए काजू पीस के इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर आपने देखा ये जो मैंने लिया है इसको मिक्सी के अंदर नहीं पीसा है, इसको हैंड ब्लेंडर के अंदर पीसा है। ये इसलिए ताकि ये थोड़ा सा, पूरी पेस्ट नहीं बनाई है, थोड़ा सा नटी टेस्ट मुंह के अंदर आए। इसलिए काजू इस तरह से। और खोया जैसे थोड़ा सा दरदरा रहता है, वैसे ही ये काजू भी हल्के से दरदरे। तो जब आप इस रेसिपी को खाते हैं तो हर बाइट में नटी टेस्ट आता है। तो अब ये ग्रेवी खोए के साथ बढ़िया सी पक रही है काजू के साथ। और अब ये जो मटर है, मटर के दाने, वाह बढ़िया हरे हरे दाने। प्रोटीन भी अच्छा होता है इसके अंदर, फाइबर भी खूब है। और ये जो रेसिपी है बड़ी कमाल की है। और इसमें क्रीम, हाँ अब देखिए, अब ये मत कहिए कि ओ माय गॉड कितनी रिच हो गई है ये। अब देखिए रिच जो है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि रिच खाना थोड़ा थोड़ा परोसना ही पड़ता है, तभी लोगों को लगता है कि आपकी आवभगत की जा रही है। और इसमें थोड़ा सा इसकी आँच कर दी धीमे। और इसमें हम लेते हैं गरम मसाला पाउडर। ये जो है गरम मसाला पाउडर, ये ले लिया। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा डालेंगे इसमें, फ्रेश टेस्ट आ जाएगा। हरा धनिया, क्या खुशबू आ रही है गरम मसाले की। और अब धनिए की भी खुशबू ज़बरदस्त इसमें। ये गर्मा गर्म रेसिपी तैयार, शादी ब्याह वाली। बहुत ज़्यादा फैट सेपरेट नहीं किया हमने। और इसे परोसने के लिए लीजिए ये जो रेसिपी है, जिसमें रिच रेसिपी, मटर, काजू, मशरूम, खोया, वाह ये लीजिए। अगर मौका शादी का है, ऐसी बढ़िया बढ़िया डिशेस बन रही हैं, तो मौका लगे शादी करवाई लीजिए।